यार रात को तो हम कंटिन्यू चल रहे थे, लगभग 5 बजे हमें ये पंचर हो गया। यार देखते, एक बड़ा कील घुस गया ना। हमारी 12 चक्का है और नहीं भी है, ये ज़्यादा तेल खाएगी फिलहाल कुछ टाइम के लिए। जब तक इसको सर्विस वर्विस हो जाएगी पहली, तब तक ये खाएगी ज़्यादा तेल। यार रात को तो हम कंटिन्यू चल रहे थे, लगभग 5 बजे हमें ये पंचर हो गया। यार देखते, एक बड़ा कील घुस गया ना। अरे यहीं पे खड़ी है देखो जी, बस यहाँ पे पंचर करेंगे, उसका वेट कर रहे हैं। पंचर करके निकलेंगे फिर से अपने सफर में ललितपुरा की तरफ, और वहीं पे हमें टंकी फुल करनी है। फिर तेल की टंकी ना कम हो गई, अब उसको फुल कराना है, फिर आगे तक चलेगी वो। तो फाइनली गाइस वहाँ से तो हम आ गए ललितपुरा में, यहाँ पे हम आ गए जो पंप है ना भारत पेट्रोलियम, तो यहीं पे हमें फुल टंकी करनी है। आप देख सकते हो अभी हमारी टंकी तो खाली हो गई, होने वाली है, और टैप की टंकी तो फुल है, वो हमने कल ही कराई है। बस यहाँ पे करेंगे तेल की टंकी फुल, दिखाएंगे आपको यहाँ पे कितना रेट है तेल का। तो यहाँ पर पहले ना बहुत सारी लाइन लगी हुई है, आप देख ही सकते हो। तो चलो हम भी बढ़ते हैं आगे आगे और करेंगे अपनी टंकी फुल। इधर से डालते हैं यहाँ पे तेल, देखो यहाँ पर कितने का लीटर है, 97.33। ये ललितपुरा में अभी रेट है, ललितपुरा में 97.33। यार बहुत महंगा है, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी महंगा है आगे आगे ना, लगभग 100 तक तो जाता ही है, 105 भी कहीं पे जाता है। तो चलो यहीं पे फिलहाल इतने रेट है, तो मतलब ये भी अच्छी रेट है। तो चलो डालते हैं दमताल से, देखो कितनी ज़्यादा है। दमताल में तो 78 का हमने डाला, 88 का हमने डाला था, आप देखो खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, लगभग 8 रुपये का फर्क है। चलो डालते हैं यहाँ पे तेल, देखते हैं कितने का हो जाएगी फुल टंकी। वो तीनों गाड़ियाँ यहीं पे भरेंगी तेल, वो रही दूसरी गाड़ी और ये रही तीसरी, इसके बाद इसका नंबर लगेगा। यहाँ पर ना बहुत सारा ये पंप जो है ये बहुत ही बड़ा है, तो बहुत सारी गाड़ी यहाँ पर आती है तेल डालने के लिए। तो कर लिया हमने यहाँ पे टंकी फुल, हमें तो हुआ 30,900 का। तेल महंगा है ना यहाँ पे बहुत, इसलिए ज़्यादा को हो गया। उन भाई को 10 टहरी है ना, उनको हमसे कम ही हुआ, लगभग एक को हुआ 25,500 और दूसरे को हुआ 24,000 शायद, 24,000। तो चलो कोई ना, हमारी 12 चक्का है और नहीं भी है, ये ज़्यादा तेल खाएगी फिलहाल कुछ टाइम के लिए। जब तक इसको सर्विस वर्विस हो जाएगी पहली, तब तक ये खाएगी ज़्यादा तेल। हाँ बस तीसरा वाला भाई डाल रहा है तेल, ये डालेगा उसके बाद चलेंगे यहाँ से आगे, फिर रुकेंगे कहीं ढाबे पे और वहीं पे हम फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होना ज़रूरी है क्योंकि फिर आरसी रहते हैं ना दिन भर, इसलिए फ्रेश होना ज़रूरी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से और मजे में होंगे। तो चलो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो सुबह से तो आपने देख लिया अपनी हालत कैसी हुई, जैसे कि आपने देखा पहले सुबह के 4 बजे हो गए टायर पंचर, पंचर कैसे हुआ, वो जो बड़ा कील था ना वो घुस गया था पीछे टायर में। फिर जब देखा तो फिर ऐसा ऐसा चले आगे टायर वाले तक, और वहाँ पे हमने टायर को पंचर करवा लिया। तो बस वहाँ से निकल के तो आ गए, बस इस ढाबे से हमने कर लिया ब्रेकफास्ट, और बाकी सारे उस्ताद जी इधर बैठे हैं। और उस्ताद जी बाकी ठीक हो, मजे में? ओके ओके। अपना सफर तो कंटिन्यू, तो अभी बज गए दिन के 4:30। मैं तो दिन भर व्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मोबाइल जो है ना आपको पता ही है कि ख़राब है, ये दिन को अच्छे से शूट नहीं कर रहा है गर्मी की वजह से। अभी मौसम थोड़ा सा कूल हो गया तो फिर से कर रहा हूँ मैं व्लॉग स्टार्ट। तो अपना सफ़र तो कंटिन्यू यहाँ एमपी में अभी चल रही रहे हैं, आगे हम महाराष्ट्र में एंटर हो जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करके। फिलहाल अपनी सही जो दो गाड़ियाँ हैं ना वो आगे आगे चल रही हैं, उनको दिक्कत होती है जब वो मेरे पीछे चलते हैं, क्योंकि 12 टेरी में ना गियर चेंज चढ़ावे पे ज़्यादा करना पड़ता है, और 10 टेरी में उतना नहीं, वो सीधा चार्ज चार्ज दिए डबल टॉप में ही। बस खाना वाना खा के
फिर से कर रहे थे कंटिन्यू अपना सफ़र। 3 बजे तो हमने लंच किया, तब से कंटिन्यू कर रहे हैं सफ़र। वो रिश्वा भाई थोड़ा सा आराम कर रहा है। बाकी आप देख सकते हो रोड का व्यू बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ना बहुत ही बड़ी घाटी है, आप देख ही सकते हो। मतलब करीबन हमें 1 घंटा हुआ घाटी में चलते हुए। अब फिलहाल पहुँचने ही वाले हैं गोरखपुर, MP में जो पड़ता है, मध्य प्रदेश में पहुँचने ही वाले हैं। बस यहाँ से कुछ किलोमीटर रह गए, लगभग 10-15 किलोमीटर पहुँच गए ना, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे बॉर्डर पे। यार क्यों रुके इधर, देखो रोड कहाँ कहाँ से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कुछ पूछो मत, रोड का व्यू, सीनरी कैसी है अभी। तो गाठी चढ़ के ना हमने ली यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक, तो यहाँ पर हमने ड्यू पी ली। और आप करेंगे कि अपना सफ़र फिर से कंटिन्यू। और भाई बाकी सुना, बाकी ठीक हो? ये अपना भाई यहाँ पर मिल गया अपने राजौरी साइड का। हाँ चलो चलो निकलते हैं यहाँ से, अब करेंगे अपना सफ़र कंटिन्यू। तीनों गाड़ी यहाँ पे रेडी है, और इसकी गाड़ी ये वाली है। तो बस भाई वहाँ से तो हम चल के आ गए, ड्यू पी ली और थोड़ा सा रेस्ट भी किया वहाँ पे। तो बहुत ही मज़ा लगा वहाँ पे, क्योंकि ठंडी भी थी ना, तो बहुत ही मजा आया। तो फिर से निकले हैं हम अपने सफर में। तो ये आप देख सकते हो अभी गाड़ी ही चढ़ रहे हैं, गाड़ी धीरे धीरे चढ़ रही थी ना। मैं ऊपर छत पे चढ़ूंगा कैबिन पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा शूट करूंगा और आपको भी दिखाएंगे यहाँ का व्यू थोड़ा सा। और पीछे पीछे देखो कितनी सारी गाड़ियां आ रही है धीरे धीरे। और अपनी जो पहली गाड़ी है ना वो चल रही है आगे, शोभा भाई की गाड़ी, और जो दूसरी गाड़ी है वो भी आ रही है पीछे। चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है इस घाटी में। घाटी देखो यार कैसी है, उनको हल्का माल है ना, वो जल्दी जा रहे हैं, तो हमारा उससे भारी है। हम तो ऐसा ऐसा ही चलेंगे। बाकी आप देख ही सकते हो मतलब यहाँ का व्यू कितना प्यारा है, बहुत ही मस्त व्यू है। तो फाइनली गाइस हम तो पहुंचे अभी नया गांव। बाहर से आप देख ही सकते हो व्यू थोड़ा सा, जो कि बंधा हुआ रास्ता है ना यहाँ जंगल में, ताकि जो जंगली जानवर है वो रोड पे ना आए और एक्सीडेंट ना हो जाए उनका, इसीलिए ये रोड बंधा हुआ है। जैसे कि आपको पता है नया गांव में है ये पड़ता है। और हमने क्या किया अभी फिलहाल, हमने तो डिनर का इंतज़ाम कर लिया, बस सीधी सब्जी। अब जो चावल है वो तो बनाया दूसरी गाड़ी में,
आगे रुकेंगे अब कहीं पे और खाएंगे करेंगे डिनर अच्छे से, फिर निकलेंगे वहाँ से आगे। तो चलो मुझे लग रहा है इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखना वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।